टॉक स्टार्ट करते हैं भगवान जी का नाम से एंड श्री राम जी का जो है ना आज ये है। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। चलते हैं आज ऑफिस श्री राम जी का। आज पूजा वगैरह है, अयोध्या का पूजा वगैरह घर पे हो गया है, राम जी का वगैरह पूजा हो गया एंड टीवी पे भी हो गया है एंड करीबन 12:30 बजे और अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। कमाल की चीज़ दिखाऊँ, रुको, ये देखो वैसी, मतलब जो है ना सारा जगह पूरे रोड पे जो है ना ऐसे ही लाल जी का राम जी के वजह से जो है ना ये पूरा लगा हुआ है। वहाँ पे देखो कितना बड़ा चीज़ है। एंड कल भी मैं पूरा बैंगलोर घूम रहा था, बहुत जगह भाई साहब पूरा यही है। एंड आज तो यहाँ पर सब दुकानें वगैरह भी बंद है, देख सकते हो कुछ ही दुकान खुले हुए हैं, बाकी जितने भी दुकान वगैरह सब चीज़ आज बंद ही है। मतलब देखो यहाँ वहाँ जितना भी नज़र तुम्हें जाएगा ना सब चीज़ बंद है। नाइस, दैट्स रियली नाइस। और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, ये देखो भाई इतनी लेयर है ना, ये 4K रेंडरिंग हो रहा है। ओके, बहुत ही तगड़ी लेवल की क्वालिटी वाला भाई साहब, देखो रेंडरिंग 1.39 यानी 1.5 घंटे से भी ज़्यादा। और ये वाली लैपटॉप में अगर इसको मैं इस वाले लैपटॉप पे डालता ना 6-7 घंटा आराम से लेता, बट हाँ दिस इज़ द पावर भाई। सुबह सुबह स्कैम हो गया भाई, ये देख रहे हो 100 रुपीज़ नोट। मैं गया था दूध लाने के लिए यार, सुबह के 5 बज रहे हैं भाई साहब, देखो कोई नहीं है रास्ते पे। और जब मैं भैया जी को जब पैसे दे रहा था दूध के लिए, उन्होंने बोला भाई ये नकली नोट है। मैं बोला यार मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे नकली है। उन्होंने समझाया कि यहाँ पे देखो लाइनिंग कुछ कुछ तो है, बाद में मैं चेक करूँगा, बट भाई साहब नकली है, बट किसी भी एंगल से नकली लग ही नहीं रहा है भाई साहब। क्या स्कैम हो गया, चलो इसको ना दिन में चेक करेंगे क्या सीन है। अभी तो वैसे भैया जी ने वैसे मिल्क दे दिया यार, चलते हैं। इसको तो अभी देखने का कोई मन नहीं है, हिम्मत नहीं है। सुबह के 5 बज रहे मैं सोने जा रहा हूँ, फिर से बाद में देखेंगे इसको क्या है। मैं हॉस्पिटल आया हूँ सुबह से ना, दोपहर हो चुका, अब जा कर के मोम का ट्रीटमेंट वाला चीज़ ख़त्म हुआ, बट कल फिर आना। एक और मुसीबत साथ में देखो, एक और दिक्कत, अपनी गाड़ी का जो ना टायर पंचर हो गया था, पंचर को रेडी करवा रहे हैं यहाँ पे, पूरा पंचर रेडी हो रहा है भाई। मम्मा को अंदर छाँव में बिठा दिया है, बट हाँ यहाँ पे पंचर रेडी हो जाए तो फिर उसके बाद निकलेंगे। चीज़ करने के बाद मैं ना अब जाके मैं ऑफिस पहुंचा हूँ काम करने के लिए। भाई दिमाग ख़राब हो गया आज, क्या नेक्स्ट लेवल यार। अभी पता है 3:30 बजने वाले हैं, अब मैं पहुंचा हूँ हॉस्पिटल जा करके मम्मा को चेकअप दिखा करके। मुझे भी कुछ दवाई वगैरह कंसल्ट करना था डॉक्टर को, भी किया, फिर आने के टाइम आपने देखा भाई साहब गाड़ी का पंचर, सुबह ही पंचर, एक्चुअली रात में ही पंचर जैसा फील हुआ, तो मैंने सोचा एयर लीक हो रहा था, बट देखा तो सुबह पंचर ही था एक्चुअली। तो जाने के टाइम में तो हवा भरा के चला गया, फिर आने के टाइम में फिर से लीक हो गया, तो हमने ठीक कराना पड़ा। मैंने बोला चलो ठीक करा लेते हैं, और भी कुछ काम वगैरह कराना है। ऊपर से ना कल मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि कल डैड का अपॉइंटमेंट है, पापा को लेके जाना है, उनका भी ट्रीटमेंट का चल रहा है। मतलब 2 दिन मेरी हालत ख़राब यार, दौड़ धूप कर करके इतना लंबा गाड़ी चला करके अब जा करके ऑफिस भाई पहुँचूँ, थक गया यार। सीरियसली कुछ करने का ही नहीं मन कर रहा, एकदम बॉडी पूरा अकड़ गया है, और ऊपर से गर्मी धूप भीड़, तगड़ा वाला चीज़ था आज का दिन, बहुत ही हेक्टिक जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। हॉस्पिटल का पूरा काम ख़त्म करते करते ना करीबन 1:30 से ऊपर 2 ऑलमोस्ट बजी गए ऑफिस पहुंचने में, ऐसा हो जाता है भाई दिन। देखो क्या मस्त है ना भाई, ब्लू कलर के तगड़ी कार। सीन है कि जो मैंने आज जो है ना ये वाला मंगाया था PS4 का कंट्रोलर, आपने बोला कि अब आप लोग बोलोगे कि ऑलरेडी मेरे पास तो एक कंट्रोलर है जो कि पुराने वीडियोस में देखा था, बट हाँ वो मेरा नहीं था, हिद्दू भाई साहब का था एंड वो ओरिजिनल वाला था। और मैंने जो है ना ये कम बजट वाला पर बहुत सारा का डिमांड आ रहा था, मुझे भी चाहिए था एक कंट्रोलर, तो ये जो है ना करीबन 1,500 का मैंने मंगाया अमेजोन से। अब भाई साहब इसको टेस्ट वेस्ट कर रहा था, बहुत ही तगड़ा निकला, बाकी चलो इसको मैंने कर दिया हूँ, ये सब रेंडर हो रहा है और अभी मैं निकल रहा हूँ। देखो ये भी मैंने लिया था जो आज मैं हॉस्पिटल गया था, रिटर्न आने के टाइम में भाई साहब मेरा ना बाइक का क्लच केबल प्रॉब्लम हो गया था, मैंने एक नया क्लच केबल ले लिया, अब यहाँ पर जाता हूँ पास के गैरेज में इसको लगाते हैं। एंड सॉरी आप लोगों के लिए व्लॉग नहीं आ रहा, बट ट्राई कर रहा हूँ,
जल्दी से मैं व्लॉग्स वगैरह पोस्ट करूँ। तो चलो इसको लगाते हैं एंड अभी हो गए शाम के 5 बजने वाले। भाई साहब को आ जाओ घर में बैठ, ऑफिस में बैठ के क्या करोगे? देखो भाई साहब लैपटॉप कैमरा उठा करके भाई साहब बिजी हो। भाई ऐसा ही है कि बिजी हैं, कर रहे हैं कुछ ना कुछ। बड़े लोग हैं बिजी रहते हैं, क्या बोलते हो? चलो मैं अकेला जाता हूँ और रेडी करते हैं इसको। बताऊँ ये केबल ना कहाँ काम आता है, जैसे ये है ना देखो, ये इसको बोलते हैं क्लच केबल, जो ये वायर जाता है और ये कनेक्ट होता है भाई साहब यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है क्योंकि गियर वगैरह में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो मैंने सोचा इसको नया डलवा लेते हैं, चलते हैं पहले गैरेज में। तो वैसे वो वाला वायर ना वहाँ से निकलेगा वायर और ये अपना नया वाला वायर जाएगा वहाँ पर, भाई पूरा वहाँ से रिमूव हो जाएगा ये वायर। यहाँ पर वायर नहीं केबल कहते हैं एक्चुअली, देखो यहाँ से कनेक्टर आता है जो बेसिकली गियर्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को काम आता है ना, तो उसका है। तो ये सब देखो इस तरह से रिमूव होकर के नया डलाया जाएगा एंड देखते हैं अब हमें जो है ना गियर वाला इशू आता है कि नहीं। केबल वहाँ निकल गया और ये रहा नया केबल जो कि इस तरह से फिट होगा। तो इनको करने देते हैं पूरा सेट करके, 2-4 मिनट का काम है एंड इस तरह से सेट हो जाएगा ये। वो जो वायर आ रहा है ना यहाँ पे कनेक्ट होगा इस तरह क्वेश्चन, बट हाँ सब लोग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो ना प्रॉपर सेट करना होता है, तो दैट्स मेन इम्पॉर्टेंट। वो प्रॉपर सही से अगर सेट नहीं होगा तो भाई तुम्हारा गियर क्लच प्लेट सब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप जो है ना इसको सेट कर देंगे एंड बाकी अपना तैयार हो जाएगा। ये रही पुरानी वाली, देखो देखने से पता नहीं चलेगा कि ख़राब है कि ठीक है, बट हाँ यूज़ करने वाले पर ना पता चल जाता है कि भाई दिक्कत है कि प्रॉब्लम करके दे, बेकार हो गया, नया वाला सेट हो गया वहाँ पे। गाड़ी का काम हो गया और मैंने भूख लग रहा था, समोसा भी खा के आ गया, अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाया। बट हाँ भाई साहब ने एक और चीज़ बताया कि इसको भी चेंज करना होगा, ये वाला जो बोल रहे हो ना अंदर में कुछ तो प्रॉब्लम है, ये देखो ऐसे अटकना नहीं, मतलब ये थोड़ा और स्मूथ रहना चाहिए, तो ये एक नया डलवाना पड़ेगा। पहले बताए नहीं थे तो मैं लेके नहीं आया था, सिर्फ केबल के बारे में बताया तो मैं केबल लेके आया। चलो दूसरे दिन कभी उधर जाऊँगा तो फिर वो वाला मैं लेके आ जाऊँगा, फिलहाल अभी चलते हैं हम काम वूम करते हैं भाई साहब। तो वो देखो मून है, मतलब पूरा ही फुल मून है आई थिंक, आज मस्त दिख रहा है, रियल आँखों से बेहतर दिख रहा है वैसे डाक डाक।